महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में पिछले कुछ दिनों में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तीनों ही पार्टियों के नेता भले ही स्थिर सरकार होने का दावा कर रहे हों, लेकिन पार्टी में मारकाट मची हुई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रवासी मजदूरों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, तो शरद पवार ने एक बार फिर कहा है कि हमारी सरकार स्थिर है और हम साथ खड़े हैं। इतना कहने के बाद शरद पवार ये भी कहते हैं कि हमारी भूमिका तटस्थ है। अब पवार किस बात के मायने निकाले जा रहे हैं? कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी तीन पार्टियों की सरकार कोरोना से निपटने में बिल्कुल असफल रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो धीरे से अब किनारे हो जाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी चला रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना फैसला ले। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसकी जिम्मेदार शिवसेना है। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई तेजी से वुहान बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मामले में भी हमारी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अगर केंद्र लिस्ट मांग रहा है तो हमारी सरकार दे क्यों नहीं रही? लिस्ट तुरंत देनी चाहिए थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने एनसीपी की तारीफ की। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस इस वक्त सरकार से किनारा नहीं करती है तो उसे आगे जनता को जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिना किसी से सलाह लिए अपनी मनमर्जी कर रहे। मुंबई की इस हालत के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ने के पीछे सबसे ज्यादा शिवसेना जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अहंकार में जी रहे हैं। ये कौन सा अहंकार है? इस अहंकार की वजह क्या है? महाराष्ट्र में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि सरकार स्थिर है और हमारी भूमिका पूरी तरह से तटस्थ है। सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार को किसी भी तरह का कोई संकट नहीं। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम यही कहेंगे कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार पूरी तरह से स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।